बढ़ाते हैं। अब मैक्सिमम 270 भी अगर वोल्टेज रहता है तो ये भी 230 की तरह लाने की कोशिश करेगा आउटपुट, ताकि हमारे मशीन को कोई प्रॉब्लम ना। ये तो बात हो गई हमारी ग्रिड की। अगर मैं एक मिनट, इसमें अभी हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो अगर हमारा वोल्टेज मेंस का वोल्टेज 165 वोल्ट से लेके 270 वोल्ट तक ये ले सकता है, प्रॉपर जो रेंज है इसकी, और उसमें 165 से 270 के बीच में ये एवीआर मोड में काम करना चाहिए और करता भी है, जैसे कि हमने अभी टेस्टिंग किया था उसके अकॉर्डिंग करता है। लेकिन इसका जो वोल्टेज है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं झेल पाएगा। अगर हम 165 से भगा के ले जा रहे हैं तो उसमें नहीं झेल पाएगा, उसमें वो सीधा आउटपुट को लेके जाएगा 270 भी ले जाएगा, 250, 55, 60 ऐसे करके लेके जाएगा। तो जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत धीरे धीरे करना है, इनपुट को अगर हम वेरी कर रहे हैं तो धीरे धीरे करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर 165 से 275 के आउट ऑफ रेंज अगर होता है ग्रिड, तो एवीआर उस केस में इसको कट ऑफ कर देगा और बैटरी आउटपुट जो लोड रहेगा हमारा वो सेकंड प्रायोरिटी पे चला जाएगा, मतलब या तो वो बैटरी रहेगा या सोलर रहेगा। अब सोलर वाली जो प्रायोरिटी रहती है हमारे एलिनो के अंदर, उसके अंदर अगर पीक आवर्स में हमारा करंट ज्यादा है तो कभी भी डायरेक्टली लोड सोलर से नहीं चलेगा, जो भी लोड चलेगा वो बैटरी के थ्रू ही चलेगा। मतलब इस केस में बैटरी पहले चार्ज होगी उसके बाद में वो लोड को रन करेगी। आपके पास में ये था एक पॉइंट कि बैटरी का एसओसी लेवल के हिसाब से जो स्टेट ऑफ चार्ज है उसके हिसाब से चार्जिंग डिस्चार्जिंग किस तरीके से एडजस्ट हो रही है, तो कितना परसेंट अगर तुमने ग्रिड मोड पे डाला है कोई एसओसी का लेवल नहीं है, मोड पे तो एसओसी का कोई लेवल नहीं। ग्रिड मोड पे सिंपल सा है, इन्वर्टर लोड को बाईपास करेगा, बैटरी को फुल चार्ज करेगा, लेकिन प्रायोरिटी सोलर की रहेगी। अगर एट अ टाइम पे अगर चार्जर ऑन होना है और सोलर का चार्जर भी ऑन है तो प्रायोरिटी सोलर की रहेगी, वो उस समय एबी से चार्ज देगा। अगर सोलर पूरा चला गया तो चार्जर भी बंद हो जाएगा, जब चार्जर बंद हो जाएगा तो ईवी से चार्जिंग होगी, ठीक है। बाकी जो सोलर मोड है उसमें क्या है कि प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी सोलर है, उसमें क्या उसमें तुम्हारा बैटरी की एसओसी के उस पर हम लोग काम करेंगे। अगर ईवी से जब भी चार्जिंग होगी एसओसी 60% से ज्यादा वो बैटरी को चार्ज नहीं करेगा किसी भी कंडीशन में वो 60% से ज्यादा चार्ज नहीं करेगा। अब बाई चांस क्या है कि तुम्हारा जो क्या कहते हैं बैटरी की एसओसी है वो 60% के ऊपर है, अब क्या है सोलर चला गया, ठीक है सोलर चला गया है, लोड आपका आ जाएगा बैटरी पे, बैटरी से, ठीक है। जैसे ही एसओसी तुम्हारी 60% के नीचे जाएगी, यानी कि वोल्टेज अगर वोल्टेज पे बात करेंगे तो 47.6 के आसपास में, जैसे ही बैटरी उसके नीचे जाएगी तुम्हारा लोड चला जाएगा ईवी पे, ईवी बाईपास चलेगा, बट उस कंडीशन में ईवी बैटरी चार्ज नहीं करेगी। बैटरी ईवी कब चार्ज करेगी? सोलर मोड से जब तक वो एलईडी को टच नहीं करेगा, ठीक है। एलईडी आपका वोल्टेज 43 के आसपास का है, जब वो एलईडी को टच करेगा तब उस टाइम पे ईवी से चार्जिंग होगी और फिर वो 60% चार्जिंग होगी बस। ये साइकिल है सोलर मोड का और ग्रिड मोड का साइकिल है। अब बात करते हैं एवीआर की। अभी एवीआर क्या है कि हमने स्मूथली चेक किया है तो ये कहीं कहीं पे काम कर रहा है, इसने 226, 230, 210 से स्टार्ट करके 230 तक का इसने मॉडल दिखाया है, 250 तक भी लेके गया है, स्मूथली नहीं लेके गया है, ठीक है। और जब हम ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि वो फिर 250 तक भी जा रहा है, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि एवीआर को कुछ माइक्रोसेकंड का टाइम चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो फिर हम साइड पे तो हम फ्लक्चुएशन इस तरह से रोक नहीं सकते हैं बिना कुछ काम करवाए वहां से पोल से, ठीक है। अब बाई चांस अगर वहां पे लोड अगर आ रहा है इस तरह से फ्लक्चुएशन हो रहा है तो फिर हमें वे वोल्टेज फिल्टर लगाना पड़ेगा। फिल्टर ही इसका फिल्टर का भी थोड़ा रोल इसमें हम बता देते हैं क्या है। बता फिल्टर क्या है कि इसमें ऊपर नीचे की दो रेंज है, ठीक है। अब जैसे कि फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए तो मैंने इसमें क्या सेट कर दिया है 210 से 245, कितना वोल्ट हो गया 25 वोल्ट, मतलब उस रेंज में हमारा जो एवीआर है वो बेस्ट वर्किंग कंडीशन में उस टाइम पे परफेक्ट चल रही है, ठीक है। उस टाइम 25 वोल्ट में कितना डिफरेंस होगा आया, या तो फ्लक्चुएशन अलग चीज है और लाइट जाना और आने का अलग चीज है, ठीक है। लाइट आने की वो फ्लक्चुएशन इसको मतलब नहीं है, लाइट आ रही है उस पर्टिकुलर उसी लाइट की कंडीशन में ही फ्लक्चुएट कर रहा है तो उसके एवीआर में प्रॉब्लम आती है। तो इस कंडीशन में जब ये ऊपर नीचे होगा तो लाइट या तो जाएगी या रहेगी, तो रहेगी तो 15 वोल्ट 25 वोल्ट के बीच में कोई डिफरेंस तो है नहीं, तो हम इसके काम चला सकते हैं। अब इसमें क्या है इसके ऊपर नीचे की वैल्यू है कुछ 270 है मैक्सिमम, 270 इसकी 295 तक कर ले, 295 का मैक्सिमम है और लोअर
लोअर इसका वैसे तो जाना चाहिए 165 170। इसका नहीं मतलब नॉर्मल पूरा इसका जो फंक्शन है हमें इसके अंदर जो रेंज डालनी पड़ेगी वो इसमें हम लोग रेंज डालनी सेट कर सकते हैं, लेकिन हमें जो अपना सेट करना है वो अपने अकॉर्डिंग करना है। तो उसमें 200 इसमें क्या एवीआर की रेंज डाल सकते हैं अपन 165 से 270 कुछ भी इसमें जो मर्जी सेट कर लो 300 तक होता है इसका, इसमें लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम एवीआर की रेंज डाल देंगे तो एवीआर की रेंज में तो हम लोग फ्लक्चुएशन दे रहे तभी तो हो रहा है। लेकिन 210 और 235 क्या बताया इसमें दिया है ना 210 और 235 का ये है कि इस कंडीशन में मिलेगा विंडो कम है ना तो फ्लक्चुएशन कितना होगा 25 वोल्ट का काम है तो इनपुट वोल्टेज 210 से 235 होना चाहिए। हाँ तभी ये बाईपास करेगा ये। लेकिन अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ ठीक है हमारा मतलब क्या कि भाई सामने का एटीएम खराब रहा हूँ नहीं हुआ तो फिर बैटरी पे चलेगा। हाँ चलेगा तो आइएगा बैटरी फुल चार्ज है उधर है तो ठीक है। इसका रेंज भी दिया हुआ है, इसका रेंज ओवर और अंडर वोल्टेज 210 से 145 तक कर सकते हैं। तो ये लोड के अगेंस्ट लगेगा ओवर करंट 1 से 30 इनपुट के अगेंस्ट लगेगा आउटपुट पे नहीं लगेगा आउटपुट पे नहीं आउटपुट लगा दो तो प्रॉब्लम क्या है तुमने आउटपुट लगा दिया ठीक है यहाँ से इन्वर्टर से आउटपुट चार्जिंग एक विंडो है ऊपर नीचे हो गया लोड बंद हो गया ना अगर पीछे लगा रहेगा विंडो का में तो बैटरी पे आ गया मतलब ये बताएगा कि 210 से 235 के बीच में अगर आपने नहीं दिया तो हम सोलर से चला लेंगे बैटरी से चला लेंगे। लेकिन अगर 210 से 235 के बीच में दोगे तभी आपका ग्रिड से एवीआर के थ्रू आउटपुट स्टेबल हो पाएगा और उसी रेंज में एवीआर भी एक स्टेबल आउटपुट देने में इसकी कंडीशन जो है जो हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे लाइट कम है उसको आप ग्रिड बोर्ड पे डालो अगर आप सोलर मोड पे डाल दिया अब वहाँ पे एक तो लाइट कम है प्लस लाइट इसकी रेंज में भी नहीं आ रही है तो हम बहुत ज्यादा बाउंड बहुत ज्यादा वाला ग्रिड यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम सोलर और बैटरी पे ही निर्भर रहेंगे फिर साइड साइड हमारी डाउन हो जाएगी नाइट टाइम में। ये चीज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है जहाँ पे ग्रिड कम है वहाँ पे हमें ग्रिड मोड रखना ही पड़ेगा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम ग्रिड यूज वोल्टेज वाले भी देखना पड़ेगा कि वोल्टेज ऐसा तो नहीं बहुत सारे एरिया तो ऐसे ही यूपी में ठीक है बस ये है कि सुबह के टाइम पर तुम आओ तो तुम्हें बैटरी फुल चार्ज मिलेगी लोड के पास सोलर पैनल मैं भी डाल देता हूँ बिजली का बिल। लेकिन इस केस में ये तो बता सकते हैं कि साइट इज रनिंग ऑन सोलर ओनली सिर्फ साइट यहाँ पे बैटरी पे रन होगी या फिर ग्रिड पे रन होगी सोलर मोड पे बैटरी पे रन होगी सोलर मोड चाहे नहीं हो लेकिन यहाँ पे सोलर ओनली या एसबी या तो बैटरी पे चलेगी साइड या ग्रिड पे चलेगी। अगर सोलर मोड तो सोलर मोड पे ग्रिड मोड पे डालोगे ना बैटरी चलेगी उस पे ही अगर लाइट है तो लाइट पे नहीं तो बैटरी चलेगी बैटरी पे ही सोलर से चार्जिंग होती रहेगी फिलिंग होती रहेगी। अच्छा चार्जिंग दिखा रहा है क्या होटल पे सोलर से चार्जिंग दिखा रहा है सोलर करंट दिखाएगा अगर आपको चार्जिंग चाहिए तो सोलर करंट माइनस चार्जिंग माइनस मतलब सोलर करंट दिखाएगा ओनली कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा सोलर से वो चार्जिंग तो नहीं दिखाएगा ना बैटरी तुम्हें ये लोड दिखाएगा इसकी बैटरी पे कितना लोड है सोलर करंट दिखाएगा सोलर करंट मैंने बैटरी का लोड चार्जिंग करंट अच्छा चार्जिंग करंट डायरेक्टली दिखा रहा है सेंसर नहीं लगाया। अच्छा वो बताया था ना वो जो बताया ठीक है तो बस यही पॉइंट्स हैं हमारे डिस्कशन के अभी तो और जो एक अमित वो बोल रहा था उसमें बाकी एक चीज भी कर देते हैं वैरियर को 210 से 235 बीच में लाके देखते हैं क्या कोई फर्क पड़ रहा है इसको लगाने के बाद इसको लगा लो यहीं से ही ला लो कोई दिक्कत नहीं है मतलब अभी अगर 235 उसी पे हम बात रहेंगे। अगर हम 4-5 पॉइंट जिसमें बताना चाहें ठीक को अगर कि भाई किस तरीके क्या क्या चीजें चेक करनी है तो वो एक बार आप बोल दीजिए बस कि ये आपके मेन पॉइंट होंगे। एवीआर हमारा ऑपरेट करेगा 165 से 270 नहीं ये उनके लिए यूजफुल वीडियो होगी सच में बार बार नहीं बताना पड़ेगा किसी को पॉइंट